शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं सुखदायकं कारणं सर्वभूतानां श्रीमधुरेशं बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मप्रसीदति। श्री मथुरादीश प्रभु की प्रेरणा से मन में ऐसा विचार आया कि आज आधुनिक युग में किस प्रकार युवा वर्ग को पुष्टि साहित्य से जोड़े, क्योंकि आजकल सभी के हाथों में पुस्तक कम मोबाइल ज्यादा रहता है। अगर किसी को पुस्तक की जगह वही साहित्य ऑनलाइन मिलता है तो तुरंत हम उसे इंटरनेट के माध्यम से खोजते हैं। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए यह बात मन में आए कि क्यों न मूल ग्रंथों को इस विज्ञान के माध्यम से सब तक पहुंचाए। किंतु पुष्टि संप्रदाय में पूर्व आचार्यों के मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं एवं संस्कृत भाषा लोक व्यवहार में नहीं होने से संस्कृत भाषा समझने में कठिनाई होती है। फिर प्रभु ने यह प्रेरणा की कि अगर हम मूल वार्ताओं को यथावत सबको सुनाएं तो ज्यादा आनंद आएगा। पुष्टि संप्रदाय में 84-252 वैष्णवों की वार्ताएं प्रत्येक वैष्णव के घर में पढ़ी और सुनी जाती है। वैष्णव की वार्ता सुनने में हमारे भगवत भाव में और वृद्धि होती है। वार्ता से प्रत्येक वैष्णव कहीं ना कहीं किसी प्रकार से तो जुड़ा ही है। अतः आधुनिक वैष्णव के हित के लिए YouTube वेबसाइट इत्यादि आधुनिक माध्यमों के द्वारा यह भाव को बढ़ाने वाली वार्ताएं विश्व के किसी भी कोने में रहे वैष्णव तक पहुंचाई जाए, यही आशय है। वार्ता श्रवण से भाव में वृद्धि होती है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक विचारों के संचार से जीवन सफल बने, यही मूल हमारा उद्देश्य है। हमने वार्ताओं का मूल रूप ही रखा है। वार्ताएं मूल रूप से ब्रजभाषा में ही प्रकट हुई है। ब्रजभाषा इतनी मीठी है कि यदि जिसको यह भाषा न भी आती हो फिर भी सुनने में अति आनंद आता है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है और ब्रजभाषा ब्रजादेव श्री कृष्ण की भाषा है, तो क्यों ना हम श्री कृष्ण की मातृभाषा में ही श्री कृष्ण के भक्तों को वार्ता सुनाएं। इसके माध्यम से ब्रजभाषा का भी संरक्षण होगा, प्रचार प्रसार होगा, ब्रजभाषा की भी सेवा होगी। जिस भाषा में वार्ता प्रकट हुई हम उसी ब्रजभाषा में वार्ता का श्रवण करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इन वार्ताओं के माध्यम से वैष्णव जन पुष्टि मार्ग इतिहास को जानेंगे, वार्ता के माध्यम से भक्तों के अंतरंग जीवन का दर्शन करेंगे। इन वार्ताओं के द्वारा श्री वल्लभ विठ्ठल और स्वप्रभु में रति मति गति हो कि मधिकम। सभी को मेरा सुभाशीष। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादां गुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये श्रेयसे लीलाक्षीरार्तिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते उसौ पञ्चधा हृदये। श्री मूर्धनधर के तरण कमल में वंदन करते हुए श्री साईं जी सात बालक और आज जो भूतल पे समस्त वल्लभ कुल जो विराज रहे हैं उनको वंदन करते हुए यह एक प्रयास किया जा रहा है और या प्रयास के आश्रय जाता है
प्रथम पीठाधीश्वर के युवराज श्री मिलन बाबा श्री, उनकी ऐसी इच्छा गई कि हम पुष्टिमार्ग के जो मूल ग्रंथ हैं उनको आगामी पीढ़ी के लिए कुछ तैयार करें। आने वाला जो समय है वो डिजिटल युग कहा जाए वो, यानी हम सबके घर में ग्रंथ विराजे हैं किंतु लोग पुस्तक नहीं पढ़े। उनके हाथ में, सबके हाथ में आज मोबाइल है, कंप्यूटर का युग है, यानी सभी सौकर्य लगे है, सुगमता हुए है कि तुरंत ही वो मोबाइल में कुछ भी प्राप्त कर सके सहज रूप से। तो ये बड़े की कृपा से एक प्रयास हम कर रहे हैं कि वैष्णवन के घर घर में वार्ता जो नित्य प्रतिदिन कही जाए है, सुनी जाए है, पढ़ी जाए है, तो उन वार्तांश के माध्यम से हमारा एक ही प्रथम प्रयास है कि हम कुछ पुष्टि संप्रदाय के ज्ञान को, भाव को समस्त वैष्णवन के हृदय तक पहुंचाए और ये भाव वार्ता को, ये ज्ञान प्रजाधिप प्रभु की सेवा में उनको उपयोगी बने। वैदिक सनातन धर्म में वेद को ही मुख्य प्रमाण माना गया और पुष्टि संप्रदाय में ऐसा कहो जाए अथवा तो हम ऐसा भी कह सके कि श्रीमद् भागवत में ऐसे वचन हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम विमत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। वेद रूपी वृक्ष के ऊपर एक फल लगे, सो फल श्रीमद् भागवत है। भागवत सार है समस्त पुराणादि को, भागवत फल है। हम यह भी कह सकें कि वेद को सार या फल सर्व इतिहास पुराण आदि का जो फल है वो भागवत है, परंतु हमारे यहां ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि भागवत को भी फल अगर कुछ है तो वो भक्तन की, वैष्णवन की वार्ताएं हैं। अतः श्री गोकुलनाथ जी प्रणीत, श्री हृदय जी द्वारा भाव प्रकाश जिनके ऊपर लिखे हुए है, सो उन वार्ता को हम श्री गोकुलनाथ जी को प्रणाम करके, श्री हृदय जी को प्रणाम करके हम आरंभ कर रहे हैं। भागवत को सार वार्ता कैसे है या को तात्पर्य श्री गोकुलनाथ जी समझा रहे हैं। अब 84 वैष्णव की वार्ता, अतः हमने ये भी प्रयास किया है कि ये वार्ता वही भाषा में रहे जो मूल भाषा में प्रकट की गई है, ब्रज भाषा में, संस्कृत देव भाषा का योग है, परंतु ब्रज भाषा को पुरुषोत्तम भाषा का योग है। सो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भाषा में रस ही अलग है, आनंद ही अलग है। सो हम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री प्रभु के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करके उनकी ही भाषा
परिभाषा में, मूल भाषा में जो ये ग्रंथ प्रकट हुए हैं, उन ग्रंथ को हम आरंभ करें। अक्षरशः वही ग्रंथ की भाषा होगी, हमारो एक भी शब्द नहीं होएगा। सभी वैष्णवजन, सभी वल्लभीय इन वार्तान के द्वारा भगवत सेवा करें। भगवत सेवा को आनंद इन वार्ता के श्रवण से दुगुना हो जाए। अतः 84 वैष्णव की वार्ता श्री गोकुलनाथ जी, श्री हृदय जी के चरण कमल में प्रणाम करके अब हम आरंभ करते हैं। अब 84 वैष्णव की वार्ता श्री गोकुलनाथ जी प्रकट किए, ताको भाव श्री हरिराय जी कहते हैं सुलिखित। श्री हरिराय जी कृत भाव प्रकाश 84 वैष्णव को कारण यह है, जो दैवी जीव 84 लक्ष्य योनि में परे हैं, दिन में तीन निकासी हुई के अर्थ 84 वैष्णव की, सो जीव 84 प्रकार के हैं, राजसी, तामसी, सात्विकी, निर्गुण, ये चार प्रकार के भूतल में गिरे। तामेते गुण में राजसी, तामसी, सात्विकी रहन दिए, सो गुसाई जी उद्धार करेंगे। श्री आचार्य जी बिना श्री गोवर्धन धर के रह न सके, ताते अपनी अंतरंगी निर्गुण पक्ष वाले 84 वैष्णव प्रकट किए। सो एक एक लक्ष्य होनी में थे, एक एक वैष्णव निर्गुण वाले को उद्धार इन वैष्णव द्वारा किए। और रसशास्त्र में प्रसादित विहार के आसन 84 वर्णन किए हैं। सो न्यारे न्यारे अंग के भाव रूप ये 84 वैष्णव रस लीला संबंधी निर्गुण है। श्री ठाकुर जी के अंगुरु ताते शास्त्र रीति सो आसन 84 या भाव सो अलौकिक है। श्री आचार्य जी के अंग द्वादश है, सो स्वरूपात्मक है। एक एक अंग में सात सात धर्म है, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 धर्म और एक धर्मी सात। यह प्रकार 12 सत्य 84 वैष्णव है। श्री आचार्य जी के अंग रूप अलौकिक सर्व सामर्थ्य रूप है और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला 84 कोष ब्रज में है। सो एक एक जीव को अंगीकार करी, देवी जीव जो 84 लक्ष्य योनि में गिरे हैं तिनको उद्धार करी, 84 कोष वैष्णव में जो जीव जा लीला संबंधी हैं तिनको तहां प्राप्त करवे के अर्थ 84 वैष्णव अलौकिक प्रकट की। या भाव के 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के हैं। सो एक दिन श्री गोकुलनाथ जी 84 वैष्णव की वार्ता करत कल्याण भट्ट आदि वैष्णव के संग रसमग्न हो गए। सो श्री सुबोधि जी की वार्ता कहन की सुधी नहीं, सो हड़धड़ आती हुई थी। तब एक वैष्णव ने श्री गोकुलनाथ जी से विनती करी, जो महाराजा धीराज आज कथा कब कहोगे, अर्धरात्रि भाई। तब श्री मुखते श्री गोकुलनाथ जी ने कही, जो आज कथा को फल फल कहते हैं, वैष्णव की वार्ता में सगरो फल जाने, वैष्णव उपरांत और कुछ पदार्थ नहीं है, यह पुष्टि मार्ग है, सो वैष्णव द्वारा फलित होएगा। श्री आचार्य जी को यही कहते, जो दमला तेरे लिए मार्ग प्रकट कियो है, ताते वैष्णवन की वार्ता है सो सर्वोपरि जानी हो। यह प्रकार 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के निर्गुण पत्र के मुखिया जानते। अब रहे राजसी, तामसी, सात्विकी गुणों में तिनके उद्धारार्थ श्री गोसाई जी ने 84 वैष्णव राजसी किए, 84 वैष्णव तामसी किए और 84 वैष्णव सात्विकी किए। ये तीनों जूत मिलकर 252 श्री गोसाई जी के अंग संबंधी है। श्री प्रकार श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी के सेवकों को भाव कहे। अब श्री आचार्य जी के 84 वैष्णव की
वार्ता में गुड़ आश्रय श्री गोसाई जी श्री गोकुलनाथ जी कहे हैं, तहां श्री हरिराय जी कछुक भाव प्रकट करत हैं पुष्टिमार्ग के वैष्णव के जनायवे के अर्थ। अब प्रथम सेवक सो श्री आचार्य जी महाप्रभु के दामोदर दास जिनको श्री आचार्य जी दमला कहते तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं, भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को दमला कहते सो याते जो दमला सो अमला मल करके रहते मन सो रही तो तहां यह संदेह हुए जो साधारण वैष्णव में मन नहीं वो दामोदर दास के दर्शन थे इनके नाम लिए थे पाप जाए तो इनको नाम दमला सो अमला कहे ताको प्रयोजन कहा। यह संदेह हुए तहां कहत है जो यह भक्ति मार्ग में श्री ठाकुर जी में प्रीति होए तहां ताई अमल है। जब श्री ठाकुर जी ते अधिक श्री आचार्य जी में प्रीति होए तब तासो अमला कहिए। दामोदर दास को एक दृढ़ भाव श्री आचार्य जी में है क्यों जो दामोदर दास की गोदी में माथो धरी के श्री आचार्य जी बौड़े हते सो गोवर्धन धर साक्षात पधारे तब बरजे निकट मत आओ महाप्रभु जी जागेंगे। ऐसो दृढ़ भाव है जो उठी के श्री ठाकुर जी को दंडो तो न किए और श्री गुसाई जी पूछे जो श्री ठाकुर जी से बड़े क्यों कहे तो दामोदर दास ने कही जो दान बड़ो के दाता जहां चाहे तहां दान चलो जाए जहां चाहे तहां दाता दान को रखे। यह भाव दृढ़ है ताते श्री आचार्य जी दमला कहते जो कोई प्रकार सो अन्य संबंध को गंधहु नहीं है ताते अमला है और इनको नाम दामोदर दास याते हैं जो पुरुषोत्तम सहस्र नाम में श्री आचार्य जी कहे हैं दामोदरो भक्तवश्यो और श्री सुबोधि जी में विस्तार करके लिखे हैं जो पुरुषोत्तम साक्षात भक्तन के बस दिखाए सो अपनो बंधन छोड़ी ना सके और जसोदा जी को ब्रजभक्तन को स्वरूप दिखाए। जसोदा जी इतने भक्त हैं जो श्री ठाकुर जी को बांधे सो उन भक्तन की सम्मति देख के बंधाने जो दाम ब्रजभक्त लाए हैं परंतु जसोदा जी को बंधन छुड़ाए की सामर्थ्य नहीं है। ताते यमलार्जुन वृक्ष गिरे तब सोर भयो तब ब्रजभक्तन ने दाम छोड़े ताते श्री ठाकुर जी सो जसोदा जी बड़े श्री दामोदर जी सो ब्रजभक्त बड़े सो भक्त वत्सलता प्रकट करी। तैसे ही दामोदर दास नाम करी दामोदर जो अनन्य भक्त हैं तिनके बस श्री आचार्य जी हैं। ताते कहते हैं दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है तामे यह आयो जो और भक्त बहुत हैं परंतु तेरे मैं बस हूं यह जताए और दामोदर दास को अलौकिक स्वरूप है सो ललिता जी को प्रागट्य है। वहां सिगरी रहस्य लीला में श्री स्वामी जी की आज्ञाकारी जैसे ललिता जी तैसे ही यहाँ श्री आचार्य जी की आज्ञाकारिणी ललिता रूप दामोदर दास जो जन्म हीते बाल ब्रह्मचारी सखी रूप गृहस्थाश्रम को जानत नहीं सो ललिता जी को यह भाव या कीर्तन में जान लो। यह कीर्तन रात केदारे में गायो जाए है हसी हसी दूध पीवत नाद मधुर कोमल बचन कही कही प्राण प्यारी साध कनक कटोरा भरयो अमृत दियो ललिता हाथ लाडली अचवाय पहले पाछे आप अघात चिंता मनी चित्त बस्यो सजनी निरखी पिय मुसिकार श्यामा श्याम की नवल छवि पर रसिक बलि बलिचार।
जपो यह भाव है जो दो स्वरूप रतन खचित सज्जा ऊपर विराजे हैं। कहा श्री ललिता जी कनक कटोरा में दूध ओटिके मिश्री सुगंध डाल के लाई। तब ललिता जी ने विचार कियो जो दो स्वरूप विराजे हैं ताते पहले मैं श्री स्वामी जी के हाथ में दूंगी तो श्री ठाकुर जी को पान कराए के पान कराए। कहा मनोरथ सिद्ध न हुई ताते श्री ठाकुर जी के हाथ में दूंगी तब पहले पान श्री स्वामी जी करेंगी। ताते दूध को कटोरा श्री ठाकुर जी के हाथ में दिए तब लाडली अचवाए पहले पाछे आप अघात कहते उनके हाथ सो वे आरोगे उनके हाथ सो चिंतामणि रूप श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी के हृदय में आरोगे। ताते श्री स्वामी जी के पान किए थे श्री ठाकुर जी तृप्त होते हैं। यह प्रकार ललिता जी की प्रीति चातुर्य देखते श्री ठाकुर जी मुस्काने। यह नवल छवि दूध पान करने के समय की शोभा ऊपर मैं अर्थात श्री हरदय जी बलिहारी जात या प्रकार को भाव श्री दामोदर दास को श्री आचार्य जी महाप्रभु में है। ताते न्यारी श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं पकड़ाई श्री आचार्य जी महाप्रभु ठाकुर हैं। यह मानसिक सा परामता मानसिक सेवा के अधिकारी हैं। लीला रस में मगन रहते हैं। वार्ता प्रसंग एक पाछे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु आप ब्रज में पांव धारे तब दामोदर दास साथ हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दामोदर दास को दमला कहते जो दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। सो गोकुल में चौतरा एक गोविंद घाट ऊपर हतो सो ताठोर छोकर के नीचे श्री आचार्य जी आप विश्राम करते ताके पास श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर है। तहां श्री आचार्य जी को चिंता उपजी क्यों जो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी नहीं है जो जीवन को ब्रह्म संबंध करवा। ताते श्री आचार्य जी ने विचारे हो जो जीव तो दोष सहित है और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तो गुण निधान है ऐसे संबंध कैसे हुए। ताते चिंता उपजी जो अत्यंत आतुर भय ता समय श्री ठाकुर जी तत्काल प्रकट हुए के श्री आचार्य जी से पूछी जो तुम चिंता तो क्यों हो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहे जो जीव को स्वरूप तो तुम जानत ही हो दोषवंत है जो तुम सो जीव को संबंध कैसे होए। तब श्री ठाकुर जी कहे जो तुम जा जीव को नाम देओगे तिनके सकल दोष निवृत्त होएंगे ताते तुम जीवन को अंगीकार करो। भाव प्रकाश यह प्रसंग को भाव प्रकाश यह है कि जीवन के उद्धार की चिंता को ताको कारण यह है जो उत्तम वस्तु को अंगीकार कराए सुख ले प्रीतम को मध्यम वस्तु दोष सहित जीव कैसे अंगीकार कराइए यह मानव की रीति है। तथा जगत में महात्मी जीव है जो आप ब्रह्म संबंध करावे तो लोक में जीव को दृढ़ विश्वास कोई एक को होए ताते श्री ठाकुर जी के श्री मुक्ते ब्रह्म संबंध की आज्ञा कराए तामे जीवन को दृढ़ विश्वास कराए जो श्री आचार्य जी को वचन दिए हैं जाको ब्रह्म संबंध होए वो ताको न छोड़ेंगे। यह महात्म्य में ते जीव ब्रह्म संबंध करेंगे ताते श्री ठाकुर जी सो कहवाए। ये बातें श्रावण सुदी एकादशी के दिन मध्यरात्रि को भई प्रातः काल पवित्रा द्वादशी हती ताते पवित्रा सूत को सिद्ध करी राख्यो हतो सुपवित्रा धराए ता समय के अक्षर है ताको श्री आचार्य जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ कियो है। ता समय दामोदर दास ने एक दूरी सोए हते ताते दामोदर दास सो श्री आचार्य जी ने पूछी
जो दमला ते कछु सुनियो तब दामोदर दास ने कहो जो महाराज मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने तो सही पर समझो नहीं। तब श्री आचार्य जी आप कहे जो मोको ठाकुर जी ने आज्ञा की नहीं है जो तुम जीवन को ब्रह्म संबंध कराओ तिनको हो अंगीकार करोगे और तिनको तुम नाम दोगे तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे ताते ब्रह्म संबंध अवश्य कर लो। यहां भाव प्रकाश कहते हैं दामोदर दास ने कही जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने पर समझो नहीं ताको कारण यह जताए जो एकादश अध्याय में भगवत गीता में श्री ठाकुर जी के वचन है जो अपने पढ़ के समझो चाहे सो समझो न जाए जब गुरु कृपा करे तब समझो जाए। ताते श्री ठाकुर जी के कहे थे दामोदर दास समझे तब श्री ठाकुर जी के सेवक भाई ताते दामोदर दास तो श्री आचार्य जी के सेवक हैं तब श्री आचार्य जी समझावे तब ही समझे। यह कही यह जताए जो हृदय में दृढ़ ज्ञान गुरु की कृपा ही ते होए स्वामी सेवक को भाव प्रकट दिखाए जो दामोदर दास समझे तो श्री आचार्य जी की बराबरी ज्ञान कहो जाए ताते कहे मैं समझो नहीं अथवा कहे जो मैं समझो नहीं सो मेरे समझ में को कहा प्रयोजन है आप कहे ताको समझ में को मुको प्रयोजन है। और कथा कहत में श्री आचार्य जी दामोदर दास सो कहते जो दमला बड़ी बार बही है श्री ठाकुर जी की वार्ता नहीं करी भाव प्रकाश ताको तात्पर्य यह है जो श्री ठाकुर जी की वार्ता आपको श्री स्वामिनी रूप दामोदर दास ललिता सखी रूप सो नहीं करी ललिता सो एकांत रहस्य वार्ता श्री ठाकुर जी के मिलन को प्रसंग प्रथम जा प्रकार लीला करी है सो नहीं करी। सो करण के लिए सवन के आगे ऐसे कहते कथा कहत समय श्री ठाकुर जी की वार्ता नहीं करी। अब वार्ता प्रसंग दो और श्री आचार्य जी ने श्री ठाकुर जी की पास तीन बार यह मांगे जो मेरे आगे दामोदर दास की देह न छूटे ताको हेतु यह है जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप संन्यास ग्रहण करने को विचार मन में करे ता समय श्री गोपीनाथ जी तथा गुसाई जी दो भाई बालक थे ताते मार्ग की वार्ता श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को समझाई के था भी दामोदर दास को कुछ गोप्य न रखे और श्री आचार्य जी श्री भागवत अहर्निश देखते कथा के और दामोदर दास सुनते और मार्ग को सब सिद्धांत भगवत लीला रहस्य श्री आचार्य जी ने दामोदर दास के हृदय विशेष स्थापियो दामोदर दास के हृदय विषय मार्ग स्थापी कितने दिन पाछे श्री आचार्य जी आप संन्यास ग्रहण किए तब कितने दिन पाछे श्री गुसाई जी ने श्री अकाजी से पूछी जो श्री आचार्य जी ने मार्ग प्रकट कियो है सो उत्सव को कहा प्रकार है हम तो कुछ जानत नहीं। तब अकाजी ने कहो जो मार्ग तथा उत्सव का प्रकार सब दामोदर दास को कहो है सो उनसो तुम पूछो तुम सो दामोदर दास सब कहे। तब श्री गुसाई जी दामोदर दास के घर पधारे तब दामोदर दास ने बहुत सम्मान करी भक्ति भाव सो घर में पधराए हा पाछे श्री गुसाई जी ने उत्सव के प्रकार पूछे सो दामोदर दास ने कहे यह प्रसंग को भाव प्रकाश यह है यहाँ में संदेह बहुत हैं जो श्री आचार्य जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त हैं सो श्री ठाकुर जी ग्रास क्यों मांगे ताको अभिप्राय यह है जो दामोदर दास को प्रेम लक्षणा भक्ति दृढ़ हो चुकी है और ललिता जी को स्वरूप है
सो श्री ठाकुर जी को परम प्रिय है, ललिता जी मध्या है, दो स्वरूप की सेवा में मगन है। सो इनको श्री आचार्य जी के दर्शन और श्री ठाकुर जी के दर्शन दो में भाव है। जाते श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी सो कहे, जो मैं दामोदर दास को जैसे नित्य अनुभव करावत हूँ, तैसे तुमहु नित्य अपने स्वरूप को अनुभव कराई हूँ। यह कही के यह जताए, जो दामोदर दास पर अत्यंत प्रीति श्री आचार्य जी की है। ताते जाने, जो मत कहो मेरे पाछे दमला, कोई बात सो दुख पावे। पाछे श्री ठाकुर जी सो कहे, और मार्ग दामोदर दास के हृदय में स्थापन किए सो श्री गुसाई जी के लिए। तात्पर्य यह है, जो यद्यपि श्री गुसाई जी ईश्वर है, बालक है, तो कहा भयो, परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने भक्ति मार्ग दामोदर दास के हृदय में स्थापन करते, आप श्री मुक्ते कहते, यह मार्ग दमला तेरे लिए प्रकट कियो है, ताते वैष्णव के हृदय में स्थापन करे। तो आगे वैष्णवन में फैली जो श्री गुसाई जी के हृदय प्रथम धर्म रहे, तो गोकुल में ही धर्म रहता है। गोकुल में तो पहले ही सो शेष अशेष महात्म धारण किए हैं, काहे थे बिंदु सृष्टि है, और वैष्णव सो तो नाद सृष्टि है। ताते इनको तो भक्ति दिए थे हो, या थे गोपाल दास गाए हैं, भक्ति मार्गीय जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाए। ताते भक्ति मार्गीय जीव स्वतंत्र है देवी, परंतु केवल आपते भक्ति न पड़े। ताते श्री आचार्य जी नवरत्न ग्रंथ में कहे हैं, जो निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनैः। या प्रकार भक्तन के हृदय में राखे, ताते भक्ति मार्ग प्रकट करो, नहीं तो ईश्वर मार्ग कहा तो केवल ईश्वर मार्ग कहा गया। भक्ति मार्ग में ईश्वर मार्ग मार्गों कहा गया, जहां भक्ति तहां भगवान, जहां भक्ति ना आए तहां भक्ति मार्ग की रीति सो भगवान न रहे, अंतर्यामी हुए रहे। ताते भक्तन को उत्कर्ष जामे होए सो भक्ति मार्ग कहावे। वार्ता प्रसंग 3। बहुरी एक समय दामोदर दास और श्री गुसाई जी एकांत में बैठे रहते। तब श्री गुसाई जी सो दामोदर दास सो पूछे, श्री गुसाई जी दामोदर दास सो पूछे, जो तुम श्री आचार्य जी सो श्री आचार्य जी को कहा करी जा रहे हो। तब दामोदर दास ने कहो, जो हम तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को जगदीश सो संसार में सबको कहत हैं, जो सबते बड़े जगदीश श्री ठाकुर जी हैं, तिनते अधिक करी जानत है। तो श्री गुसाई जी दामोदर दास सो कहे, जो तुम ऐसे क्यों कहत हो, जो श्री ठाकुर जी तो बड़े हैं। तब दामोदर दास ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज दान बड़ो के दाता, दान बड़ो के दाता बड़ो, कहो के पास धन बहुत है तो कहा करे, देई ताको जानी है। और श्री आचार्य जी महाप्रभु को सर्वस्व धन श्री श्रीनाथ जी है। सो हम जैसे जीवन को आप दान किए, ताते हम श्री आचार्य जी को सबसे बड़े करी के जा रहे हैं। वार्ता प्रसंग 4। बहुरी एक समय श्री गुसाई जी बैठक में बैठे रहते। वे चार वैष्णव कुमंदास गोविंद दास आदि एकांत हंसवे खेलवे के लिए पास बैठे रहते। आप उनसे हसत खेलत मस्करी कर बहुत ही प्रसन्नता में खेल की वार्ता करते रहते। आज समय दामोदर दास कहाँ आए, तब श्री गुसाई जी बहुत आदर सम्मान किए। पाछे दामोदर दास कहाँ आए के दंडवत करके बैठे। तो श्री गुसाई जी सो दामोदर दास ने कहो, जो महाराज अपनो मार्ग निश्चिंतता को नहीं,
यह मार्ग तो अत्यंत कष्ट आतुरता को है, दुख को है। तब श्री गोसाई जी कहे, जो तुम धन्य हो, सांची कहत हो, पर हमको जब श्री आचार्य जी की कृपा होगी तब कष्ट आतुरता होगी। यह मार्ग तो श्री आचार्य जी के अनुग्रह के बिना ना हो। तब दामोदर दास दंडवत किए और कहे, जो हमको राजस्व एक बेर विनती करनी सो करी, पाचे आप प्रभु हो बलि जानोगे सो करोगे। पर यह मार्ग को या भाति को है। तब श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भए और कहे, जो ये हमको यह वार्ता श्री आचार्य जी महाप्रभु तुम द्वारा कहे, जो तुम न कहोगे तो और कौन कहेगो। तुमको देखत है जब चित्त अति प्रसन्न होते है, ताते सुखेन कहो, आप सरीखे श्री आचार्य जी के सेवक जानके कहते हैं। पाछे दामोदर दास की शिक्षा अंगीकार करत भय, ताते बड़े सो बड़े। यह वार्ता प्रसंग को भाव प्रकाश कहते हैं, यह लोक रीति सो विरुद्ध है, जो सेवक स्वामी सो शिक्षा करे। यह संदेह हो ताँ कहत है, दामोदर दास ललिता रूप है, सो श्री चंद्रावली जी श्री गोसाई जी को परकिया रस भाव है। परकिया रस में प्रीति बहुत है, अष्ट प्रहर चित्त प्यारे सो लगे रहता है। सो जार भाव को प्रकार दिखाए, जो और के संग हंसी कैसी। तथा दामोदर दास की देह मात्र नहीं सकते, परंतु श्री आचार्य जी को आवेश अष्ट प्रहर रहत है। जो मुख सो श्री आचार्य की बोलत है, ताते श्री गोसाई जी कहत है, जो हमको यह वार्ता श्री महाप्रभु द्वारा कहा है। वार्ता प्रसंग 5। और एक दिन दामोदर दास के पिता को श्राद्ध दिन हतो, ता दिन श्री गोसाई जी तहां पधारे, वाके पिता को श्राद्ध करवाए। पाछे उत्थापन के समय दामोदर दास दर्शन को आए, तब श्री गोसाई जी ने कही, जो मुखो श्राद्ध की दक्षिणा देव। तब दामोदर दास ने कही, जो दक्षिणा में एक बात कहूंगो, सो सिद्धांत रहस्य के डेढ़ श्लोक को व्याख्यान कहे। यह ऐसी बात है। तब श्री गोसाई जी कहे, जो आगे कहो। तब दामोदर दास ने कही, जो मैंने तो इतनो संकल्प किया है। तब श्री गोसाई जी चुप करी रहे। पाछे दामोदर दास ने मार्ग की प्रणाली का कही, श्री भागवत की टीका सुबोधनी जी, श्री आचार्य जी महाप्रभु के ग्रंथन की टीका और रहस्य वार्ता श्री गोसाई जी के आगे सब कहे। तापाचे श्री गोसाई जी दामोदर दास को नमस्कार करन न देते। याते जो श्री गोसाई जी अपने मन में यो विचारे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास के हृदय विषय सदा सर्वदा बसत है, तो इन पास क्यों नमस्कार करन दीजे। याते नमस्कार न करन देते, और दामोदर दास को श्री गोसाई जी अपनो चरणोदक मुंह न देते। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने दामोदर दास को दर्शन दिनो और आज्ञा दिन, जो तो श्री गोसाई जी को चरणोदक नित्य लीजियो। तब प्रातः काल दामोदर दास श्री गोसाई जी के पास आए, चरणोदक मांगयो। तब श्री गोसाई जी ने चरणोदक की नाही की नहीं। तब दामोदर दास ने गोसाई जी से कहो, जो मोको श्री आचार्य जी की आज्ञा भई है और श्री आचार्य जी के दर्शन भये, और कहो है जो चरणोदक लीजियो। तब श्री गोसाई जी ने चरणोदक दीनो। या वार्ता प्रसंग को भाव प्रकाश कहत है, श्राद्ध करावे को अभिप्राय यह है, जो दामोदर दास के पितरन को उद्धार तो हो ही चुको है। जब ये भक्त में मर्यादा मार्ग में नरसिंह जी ने प्रहलाद सो कहो, 21 पुरुष भक्त के तरह, सो दामोदर दास तो पुष्टि मार्गी है, ताते इनके पितर तरह या में संदेह कहा, परंतु पुष्टि मार्ग के संबंध बिना
पुष्टि मार्ग में अंगीकार न होए, ताते श्री गोसाई जी को संबंध श्राद्ध द्वारा पाए पुष्टि मार्ग में अंगीकार है। जो दामोदर दास के श्राद्ध थे पुष्टि मार्ग में अंगीकार हुए, परंतु गुरु की अपेक्षा है, तो गुरु बिना अंगीकार में दृढ़ अंगीकार नहीं, ताते श्री गोसाई जी को संबंध कराए। कहां यह संबंध हो संदेह हुए, जो दामोदर दास को श्राद्ध कराए इनके वितरण को पुष्टि संबंध भयो और भगवती को नहीं कराए, सो उनके वितरण को कैसे हुए को? तब यह संदेह हुए, कहा कहते हैं यह पुष्टि मार्ग देरी जीव के आदिदैविक मूलभूत दामोदर दास है, ता इनके वितरण को पुष्टि संबंध भयो, तब सगरे पुष्टि मार्ग वितरण के पुष्टि को संबंध भयो। जैसे मारव दामोदर दास के वितरण को पुष्टि संबंध भयो, ऐसे मारव दामोदर दास के लिए, तामें सगरे पुष्टि मार्ग के जीवन के लिए, यह प्रकार मूल भक्ति ता करके सब में फैले, यह प्रकार दामोदर दास की भक्ति करके जीव में भक्ति बढ़ी है। जीव को सामर्थ्य नहीं जो पुष्टि मार्ग की भक्ति एक क्षण कर सके, और दक्षिणा में दामोदर दास ने सिद्धांत रहस्य के 150 श्लोक को व्याख्यान किया। तब श्री गोसाई जी कहे आगे कहो, तब दामोदर दास ने कही जो मैंने तो इतनो ही संकल्प कियो है, तको कारण यह है जो सत्य संकल्प तो इतने ही में सगरो मार्ग है। श्री गोसाई जी चरणों तक दामोदर दास को न देते, दंडवत करण न देते, सो याते जो श्री स्वामिनी जी की अनन्य सखी है उन्हीं को करें, ताते दामोदर दास ने हट नहीं कियो, चरणों तक न लियो, ताते श्री आचार्य जी ने दामोदर दास को समझायो जो तो श्री गोसाई जी को चरणों तक लीजियो, दंडवत करियो, मैं श्री गोसाई जी के हृदय में विराजत हूं, मेरो स्वरूप मोते प्रकटे है। तब दामोदर दास श्री गोसाई जी सो यह भेद कहे, तो श्री गोसाई जी कहे लेहू प्रसन्न होए के चरणों तक दिए, जाने जो श्री आचार्य जी के भावते लेते हैं मेरे भावते नहीं। यही थे श्री गोपीनाथ जी, यद्यपि श्री गोसाई जी के बड़े भाई हैं, परंतु काहू वैष्णव ने चरणों तक नहीं लियो, या भावते श्री गोसाई जी के 7 बालक और वल्लभ कुल के चरणों तक में श्री आचार्य जी के भाव जनायो, ताते चरणों तक लेनो दंडो करनो यह सिद्धांत जनायो। वार्ता प्रसंग 6। और दामोदर दास को श्री आचार्य जी 3rd दिन दर्शन देते, मार्ग की रहस्य वार्ता कहते, ऐसी कृपा करते, और कदाचित 3rd दिन दर्शन न हो तो तादिन दामोदर दास के पेट में पीड़ा बहुत होती, अत्यंत कष्ट पाते, और पाछे दर्शन हो तो तत्काल कष्ट निवर्त हो जाते। ऐसी भांति केते एक वर्ष पर्यंत श्री आचार्य जी दर्शन दिनों ऐसी कृपा करते, जो बात होती सो सब दामोदर दास श्री गोसाई जी के आगे कहते, और मार्ग के प्रकार की वार्ता हर मिस करते। श्री गोसाई जी दामोदर दास के ऊपर बहुत कृपा करते और कहते जो दामोदर दास के हृदय में श्री आचार्य जी महाप्रभु सदा विराजत। भाव प्रकाश दामोदर दास को 3rd दिन श्री आचार्य जी दर्शन देते, ताको हेतु यह जो 3 दिन लो दर्शन को आवेशता में मगन रहे, 3rd दिन शरीर की शुद्धि होती, जो विरह कष्ट हो तो दर्शन फिर ही स्वरूप आनंद में मगन हो जाते। विजयते श्रीमन मथुराधीश प्रभु।
प्रथम वैष्णव श्री दामोदर दास जी की वार्ता से तो हमें इतनी कुछ शिक्षाएं मिलती है कि उसे शब्दों में कह पाना असंभव सा प्रतीत होता है। किंतु दान बड़ों के दाता, दामोदर दास जी कहते हैं कि दाता अर्थात गुरु बड़े हैं। इनकी वार्ता यह बताती है कि गुरु में शिष्य की कैसी आस्था होनी चाहिए, गुरु का महत्व क्या है। श्री वल्लभ के प्रति दामोदर दास जी का अगाध स्नेह तो देखते ही बनता है। दामोदर दास जी ऐसे भगवती हैं तो इनके विषय में हम और क्या विशेष कहें। इति श्री